नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे संज्ञा विषे अभ्यास करीशुं। विद्यार्थी मित्रों, तमारे समझवानुं छे के नीचे दिए हुए वाक्य पढ़िए संज्ञा माटे छे के अवंती ने शिबू की मदद की, कुत्ता बिल्ली और खरगोश मित्र थे, कोयल कौवे से छोटी होती है, घड़े में पानी कम था, सबके प्रति प्रेम और दया रखी, बगीचे में बड़ी भीड़ है, वे साहस और बहादुरी से लड़े, उनका बचपन गरीबी में बीता। तो आठ वाक्य ऊपर आपवामां आवेला छे अने दरेक वाक्यनी नीचे लीटी करेली छे। तो आ बधा शब्द शुं सूचवे छे ए आपणे अभ्यास करिए। अवंती और सिब्बु ए व्यक्तियों के नाम है, कुत्ता बिल्ली और खरगोश पशुओं के नाम है, कोयल और कौवा पक्षियों के नाम है, घड़ा और पानी वस्तु या पदार्थों के नाम है, प्रेम और दया भावों के नाम है, बगीचा एक स्थान का नाम है, साहस और बहादुरी गुणों के नाम है, बचपन एक अवस्था का और गरीबी एक दशा का नाम है। तो साथे साथे अहीं એ પણ તમને જાણવા મળ્યું કે દરેક વાક્યની નીચે જે લીટી કરેલી છે એમાં વ્યક્તિઓના નામ, પશુ પક્ષીઓના નામ, વસ્તુઓના નામ, ભાવોનું નામ, સ્થાન જગ્યાનું નામ છે, ગુણોના નામ આપવામાં આવેલા છે, અવસ્થા અને દશાઓના નામ પણ આપવામાં આવેલા છે। ઈ જ તરહ પ્રત્યેક પ્રાણી, પશુ પક્ષી, प्रत्येक व्यक्ति, प्राणी, प्राणी में पशु पक्षियों की बात करवामां आवेली छे, वस्तु स्थान गुण अवस्था और दशा का अपना अपना नाम होता है। व्याकरण में नाम को संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार इन वाक्यों में रेखांकित शब्द संज्ञाए है। तो विद्यार्थी मित्रों, तमने जाणवा मळ्युं हशे कि संज्ञा कोने कहेवाय, तो के किसी व्यक्ति, पशु पक्षी, वस्तु स्थान गुण भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कोने कहेवाय, तो कोई पण व्यक्तिनू, पशु पक्षीओनू, वस्तुनू, स्थाननू, गुण भाव अवस्था के दशा जे दर्शावे छे के नाम जे होय छे तेने संज्ञा कहेवाय छे। ऊपरना वाक्य तमे जोया तो ई बधा शब्द नीचे लीटी करेली हती, बधाने शुं कहेवाय छे, संज्ञा कहेवामां आवे छे। तो संज्ञामां कोनो उल्लेख थाय, तो के कोई व्यक्तिनुं नाम होय, पशु पक्षीनुं नाम होय, कोई वस्तुनुं, कोई स्थाननुं, कोई गुणनुं। आमां साहस छे, साहस अने बहादुरी तो ये गुण छे। भाव, अवस्था अने दशा, प्रेम दया आ बधा शुं छे, भाव छे। तो आ बधाने शुं कहेवाय छे, संज्ञा कहेवामां आवे छे। हवे विद्यार्थी मित्रों, तमने ख्याल आवी गयो हशे कि संज्ञा कोने कहेवाय, तो के कोई पण व्यक्ति, पशु पक्षी, वस्तु स्थान गुण भाव के अवस्थाने दर्शावे तेने संज्ञा कहेवामां आवे छे। त्यार पछी आगळ जोईए संज्ञा के प्रकार। संज्ञाना प्रकार केटला छे, तो के पांच। कया कया? तो कि जातिवाचक संज्ञा। तो सौ प्रथम अपने जातिवाचक संज्ञा विषे समझिए। यह संज्ञा किसी खास व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान को सूचित नहीं करती। यह अपनी पूरी जाति यानी वर्ग का बोध कराती है। जैसे गांव के पास ही एक संत रहते थे, उसने बैल बेच दिया। चित्रकार ने युक्ति की, लोग नदी को माता मानते हैं। गांव शब्द से प्रत्येक गांव का बोध होता है। जातिवाचक संज्ञा में शू के कोई पण एक व्यक्ति, प्राणी, वस्तु के स्थान ने सूचित नहीं करता, पण ए पूरी जाति नो, पूरे पूरा वर्ग नो बोध करावे तेने जातिवाचक संज्ञा कहेवामां आवे छे। अहीं उदाहरण छे કે ગાંવ કે પાસ હી એક સંત રહેતે થે। તો ગાંવ શબ્દ છે એ પ્રત્યેક ગાંવનો બોધ કરાવે છે, દરેક ગામનો બોધ કરાવે છે। ઉસને બેલ બેચ દિયા, તો બેલ શબ્દ કા પ્રયોગ સભી બેલો કે લિયે હોતા હે, ઇસસે અસે પૂરી જાતિ સૂચિત હોતી હે। ચિત્રકાર ને યુક્તિ કી, તો પ્રત
प्रत्येक चित्रकार को चित्रकार कहते हैं। એટલે માત્ર કોઈ જો નામ લઈને કીધું હોય તો એ વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા કહેવાય। જાતિવાચક સંજ્ઞામાં શું આવે તો કોઈ ખાસ વ્યક્તિ નહીં પણ શું કે પૂરી જાતિ પૂરા વર્ગનો બોધ કરાવે છે તેને। પછી નદીની વાત કરવામાં આવેલી છે તો એ નદી છે એ બધી નદીની વાત અહીં કરેલી છે। અને માતા શબ્દ માટે પણ તો ઈસ પ્રકાર ये रेखांकित शब्द अपनी पूरी जाति का नाम सूचित करते हैं। सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। हवे ख्याल आ गयो हे जातिवाचक संज्ञा कोने कहवाई तो के जे पोतानी पूरी जाति पोताना वर्ग ने बोध करावे छे तेने जातिवाचक संज्ञा कहेवामां आवे छे। पछी बीजो प्रकार छे विद्यार्थी मित्रों व्यक्तिवाचक संज्ञा। यह संज्ञा किसी खास व्यक्ति प्राणी या स्थान को सूचित करती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में शू आवे तो विशेष एटले के खास व्यक्ति प्राणी अने स्थान ने दर्शावे छे। उदाहरण आपेला छे कि आंबेडकर इंग्लैंड चले गए। शांता बहादुर लड़की थी। चेतक अनोखा घोड़ा था। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। इन वाक्यों में रेखांकित संज्ञाओं पर ध्यान दीजिए। तो हवे आ जे शब्द नीचे लीटी करेली छे ध्यानपूर्वक जो आंबेडकर शब्द छे इंग्लैंड शांता चेतक नर्मदा अने अमरकंटक। तो आंबेडकर छे ए भारत के एक विशेष व्यक्ति का नाम है। इंग्लैंड देश का नाम है यानी स्थान का नाम है। शांता लड़की व्यक्ति का नाम है। चेतक प्राणी का नाम है। नर्मदा एक विशेष नदी का नाम है और अमरकंटक एक विशेष पहाड़ का नाम है। तो तमने हवे ख्याल आवी गयो हशे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कोने कहेवाय तो के जे व्यक्तिनुं नाम लईने वाक्य जे लखवामां आवेलुं होय तेने व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेवाय छे। एमां व्यक्ति होय प्राणी होय अथवा तो कोई पण जग्या एटले के स्थान ने दर्शावे तेने व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेवामां આવે છે। ત્યાર પછી હવે આપણે આગળ જોઈએ કે ઈસ પ્રકાર એ રેખાંકિત સંજ્ઞાએ કિસી વિશેષ વ્યક્તિ દેશ પ્રાણી નદી યા પહાડ કા નામ હે એસી સંજ્ઞાઓ કો વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞાએ કહેતે હે। હવે ત્રીજો પ્રકાર આવે છે ભાવવાચક સંજ્ઞા। यह संज्ञा मन के भाव विचारों इच्छाओं आदि को सूचित करती है कि जे आपणा मन में रहेला भाव छे विचारों छे इच्छाओ छे एने दर्शावे छे। गुण स्थिति या अवस्था को सूचित करने वाले शब्द भी भाववाचक संज्ञाए है। शू कहे छे कि गुण स्थिति अने अवस्था दर्शावे तेने पण भाववाचक संज्ञा कहेवामां आवे छे। तो भाववाचक संज्ञाओना उदाहरण जोईए केटला के भाव। तो भावमां शुं आवी शके तो के हसी खुशी सुख दुख प्यार नफरत आशा आश्चर्य बलिदान वगैरे शब्द आवी शके छे। त्यार पछी गुणमां कया कया शब्द आवी शके तो के वीरता सच्चाई मेहनत हिम्मत निर्भयता मीठास कड़वापण वगैरे। त्यार पछी स्थिति तो अमीरी गरीबी स्वास्थ्य थकावट चिंता बीमारी वगैरह शब्द। त्यार पछी अवस्था तो अवस्था माटेना कया कया शब्द तो कि बचपन जवानी बुढ़ापा आदि वगैरह शब्द। आ भाववाचक संज्ञा में आटला शब्द आवी सके એમાં ભાવ ગુણ સ્થિતિ અને અવસ્થા। હવા ઠંડી ગરમી પઢાઈ લિખાવટ કમાઈ રોશની મહંગાઈ આદિ બી ભાવવાચક સંજ્ઞાએ હે। ભાવવાચક સંજ્ઞામાં શું આવે તો કે મનના વિચારો આવે ઈચ્છાઓ આવે ભાવ આવે તેને ભાવવાચક સંજ્ઞાએ કહેવામાં આવે છે। ભાવવાચક સંજ્ઞામાં ભાવ કયા હોય તો એના શબ્દ આપેલા છે ગુણ સ્થિતિ અને અવસ્થા। ત્યાર પછી ચોથો પ્રકાર આવે છે સમૂહવાચક સંજ્ઞા કે બજાર મે બહુત ભીડ હે હમારા દલ પ્રતિયોગિતા જીત ગયા યહ હમારે ઘર કી ચાબીઓ કા ગુચ્છા હે। તો ઇન વાક્ય મે ભીડ દલ ઓર ગુચ્છા
ये शब्द किसी न किसी समूह के नाम है, इसलिए समूहवाचक संज्ञा है कि ज्यां तमने समूहनो बोध जोवा मळे तेने समूहवाचक संज्ञा कहेवाय छे। दल यानी टीम, कि बजार में बहुत भीड़ थी अने तमने कीधुं होय कि आमांथी संज्ञा कई छे, तो भीड़ समूहवाचक संज्ञा कोने कहेवाय के जे समूहनो बोध करावे छे तेने समूहवाचक संज्ञा कहेवामां आवे छे। त्यार पछी पांचमो प्रकार छे द्रव्यवाचक संज्ञा। यह संज्ञा प्रायः खाने पीने की वस्तुओं तथा धातुओं आदि के नाम सूचित करती है। द्रव्यवाचक संज्ञा में शू आवे तो कि खावा पीवानी वस्तु, धातुओनी वस्तु ने दर्शावे तेने द्रव्यवाचक संज्ञा कहेवामां आवे छे। थोड़ाक उदाहरण आपेला छे कि यह स्वच्छ पानी है, लड़का दूध पीता है, रुई और ऊन से कपड़े बनते हैं, गेहूं और चावल उत्तम अन्न है, सोना चांदी कीमती धातुएं हैं, यहाँ शुद्ध घी मिलता है। इन वाक्यों में रेखांकित शब्द किसी न किसी द्रव्य के नाम है, इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। पानी, दूध, रुई, ऊन, गेहूं, चावल, सोना चांदी, घी, आ बधा शू छे द्रव्यवाचक संज्ञा छे। एटला माटे जेमां तमने खावा पीवानी वस्तुओ अथवा तो धातुनो बोध करावे तेने द्रव्यवाचक संज्ञा कहेवामां आवे छे। आ संज्ञाना पांच प्रकार आपणे जोया। त्यार पछी हवे आपणे लिंग परिवर्तनना कोने कहेवाय ए शीखीशुं। કે અહીં તમે જોઈ શકો છો અવિભાગ અને બવિભાગ, કે લડકા ખેલતા હે લડકી ખેલતી હે, બેલ ઘાસ ખાતા હે ગાય ઘાસ ખાતી, કબૂતર દાના ચુગતા હે કબૂતરી દાના ચુગતી હે। અવિભાગ મેં લડકા, બેલ, કુત્તા, ચૂહા, અલગ અલગ પ્રાણીઓ કે નામે એ સબ પુરુષ જાતિ કે પ્રાણી હે। और ब विभाग में लड़की, गाय, कुतिया, चूहिया, ये सभी प्राणियों के नाम है, ये स्त्री जाति के प्राणी है। व्याकरण में जाति को लिंग कहते हैं, कि व्याकरण की भाषा में जाति ने शू कहवाई छे तो के लिंग कहवामां आवे छे। इस तरह संसार के सभी प्राणियों को हम पुरुष जाति और स्त्री जाति में बांट सकते हैं। पुरुष जाति को पुल्लिंग कहते हैं और स्त्री जाति को स्त्रीलिंग कहते हैं। हिंदी में दो लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो विद्यार्थी मित्रों, के जे पुरुष जाति छे तेने पुल्लिंग कहेवामां आवे छे अने स्त्री जाति छे तेने स्त्रीलिंग कहेवामां आवे छे। के पुल्लिंग कोने कहेवाय तो के जिस पद से पुरुष जाति का बोध हो, के जे पद आपणे दर्शावे કે પુરુષ જાતિનું આ પદ છે તેને પુલ્લિંગ કહેવામાં આવે છે। જેમ કે લડકા, બેલ, કૂતતા, ચૂહા, કબૂતર। ત્યાર પછી છે કે જીસ પદ સે સ્ત્રી જાતિ કા બોધ હોતા હો ઉસે સ્ત્રીલિંગ કહેતે હે, જૈસે લડકી, ગાય, કૂતિયા, ચૂહિયા, કબૂતરી। નિર્જીવ વસ્તુઓ को भी उनके आकार, वजन और गुण के अनुसार पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बांटा गया है। विद्यार्थी मित्रों, तमे जोयु के निर्जीव वस्तुओं ने पण तेना आकार, वजन अने गुणना आधारे तेने पुल्लिंग अने स्त्रीलिंग में वेचवामां आवेला छे। पुल्लिंग शब्द कया कया होय तो अहीं नाम आपेला छे, आकाश, पर्वत, पेड़, मैदान, पत्थर, दरवाजा, बादल, मकान, कुआ, सागर, शहर, गांव, फूल, घड़ा, रास्ता, कागज, अखबार, कारखाना आदि शब्द। पुल्लिंग शब्द में जे आकार, वजन, गुण, स्थान वगैरह नो बोध करावे छे तेने पुल्लिंग शब्द कहेवाय छे। ત્યાર પછી સ્ત્રીલિંગ શબ્દો કયા કયા હોઈ શકે તો કે પુસ્તક, ગાડી, ઘોડી, ઝીલ, નદી, ડાલ, દાવત, કલમ, દીવાર, ધરતી, સડક, કલી,
मटकी, सुई, खिड़की, पत्ती आदि। त्यार पछी आगळ छे कि पुलिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदलने के कुछ नियम। केटलाक नियमों छे पुलिंग शब्द ने स्त्रीलिंग शब्द में बदलवा माटे के कुछ अकारांत पुलिंग शब्द को आकारांत में बदल दिया जाता है। अकारांत हो पुल्लिंग शब्द एने आकारांत करीने स्त्रीलिंग में परिवर्तन करी शकाय छे। अकारांत ने आकारांत कोने कहेवाय तो ज्यारे तमे कोईपण शब्दनो उच्चार करो छो अने अनु उच्चारण थाय तेने अकारांत कहेवाय अने आनु उच्चारण थाय तेने आकारांत कहेवाय। अहीं शब्द छे शिष्य, तो विद्यार्थी मित्रों ज्यारे तमे शिष्य शब्द बोलो छो त्यारे यनु उच्चारण करो छो तो साथे अनु उच्चारण थाय छे, एटला माटे ए शुं छे अकारांत पुल्लिंग। त्यार पछी शिष्या शब्द छे तो या शब्द बोलो छो त्यारे आकारांतनो उच्चारण थाय छे, એટલે શિષ્યનું થયું શિષ્યા, બાલનું બાલા, સૂતનું સૂતા। ત્યાર પછી અકારાંત પુલિંગ શબ્દો મેં ઈકા પ્રત્યય જોડ દિયા જાતા હે। અકારાંત હોય અને ઈક પ્રત્યય જોડવામાં આવે, ઈકા પ્રત્યય જોડવાથી સ્ત્રીલિંગ રૂપ બને છે। જેવી રીતે બાલક તો બાલિકા, શિક્ષક શિક્ષિકા, લેખક લેખિકા, તો બાલિકા શબ્દ બોલો છો તેમાં ઈકા પ્રત્યય તમે જોઈ શકો છો અને ઉચ્ચારણ પણ થાય છે। ત્યાર પછી ત્રીજો નિયમ છે કે કુછ આકારાંત પુલિંગ શબ્દો કો ઈકારાંત બના દિયા જાતા હે, આને ઈ કરવાથી એ સ્ત્રીલિંગ શબ્દમાં પરિવર્તન થઈ જાય છે। જેવી રીતે ઘોડા તો ઘોડી, ગધા ગધી, લડકા લડકી, તો પુલિંગ શબ્દને સ્ત્રીલિંગમાં પરિવર્તન કરી શકાય છે માત્ર ઈકારાંતથી। ચોથો નિયમ છે કે કુછ અકારાંત પુલિંગ શબ્દો કે અંત મેં આની પ્રત્યે લગાયા જાતા હે, જેઠ તો જેઠાની, શેઠ શેઠાની, જ્યારે તમે ઉચ્ચારણ કરો છો જેઠાની શેઠાની નોકરાની તો આની પ્રત્યય લગાડાય છે અને એનું ઉચ્ચારણ પણ થાય છે। કુછ પશુ પક્ષીઓ કે અકારાંત પુલિંગ નામો કે અંત મેં ની પ્રત્યય જોડ દિયા જાતા હે, શેર શેરની, ઊંટ ઊંટની, મોર મોરની, તો એ પુલિંગમાંથી એ સ્ત્રીલિંગ શબ્દ બની જાય છે। ત્યાર પછી વ્યવસાય સૂચક પુલિંગ શબ્દો કે અંત મેં ઈન પ્રત્યય લગાયા જાતા હે, જૈસે માલી તો માલીન, ઈન પ્રત્યય લાગે, ધોબી ધોબીન, નાઈ નાઈન। પ્રાયઃ સમાન સૂચક પુલિંગ શબ્દો કે અંત મેં આઈન શબ્દ આઈન પ્રત્યે લગાયા જાતા હે, પંડિત તો પંડિતાઈન, ઠાકુર તો ઠકુરાઈન, ચૌધરી તો ચૌધરાઈન। આઠમો નિયમ છે કે કુછ પુલિંગ શબ્દો કે સ્ત્રીલિંગ અનિયમિત રૂપ સે બનતે, જૈસે પિતા નું સ્ત્રીલિંગ બનાવવું હોય તો માતા, બેલનું ગાય, આદમીનું ઔરત, અને અહીં કેટલાક પુલિંગ શબ્દ અને સ્ત્રીલિંગ શબ્દ અહીં આપવામાં આવેલા છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આપણે સંજ્ઞા અને લિંગ વિશે અભ્યાસ કર્યો, ત્યાર પછી આગળનો અભ્યાસ આપણે વિડીયો ભાગ બેમાં જોશું। અસ્તુ, જય હિન્દ, વંદે માતરમ।